हाय फ्रेंड्स, ये कावासाकी बॉक्सर है, ओल्ड गाड़ी है जिसमें जो है मैं हाफ इंजन का काम कर रहा हूँ। हाफ इंजन का काम जो है इसका क्रैंक सही होने पर ही हाफ इंजन का काम होता है, जिसमें ब्लॉक किट जो है नया डाल रहे हैं और इसका जो हेड है यही बन के आ गया है, दोनों बाल बने हैं इसके और इसका टाइमिंग चेन ओरिजिनल टाइमिंग चेन लिया हूँ मैं। और ये इसका ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक असेंबली है, ये पूरा सिलेंडर ये डालूंगा और इसमें जो है क्लिच प्लेट डालेंगे। इसका क्रैंक जो है ये सही है, इसके कारण जो है पूरा इंजन हाफ इंजन का काम तभी सक्सेस होता है जब क्रैंक हमारा जो है सही होना चाहिए। बाइक का क्रैंक जो है ये इसमें ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, तभी ये सक्सेस होता है हाफ इंजन का जो काम होता है वो। और इसका टाइमिंग चेन इस साइड से टाइमिंग चेन भी डालूंगा, इधर से टाइमिंग चेन पूरा क्लिच प्लेट फिटिंग होगी और नया ऑयल डलेगा। और इसमें जो है एक मैं अलग से एक एग्जॉस्ट हम लोग लगा रहे हैं, तो उसका जो साउंड है वो आप सुनिएगा वीडियो में। मैं लास्ट में ये बाइक पूरा फिटिंग इंजन पूरा फिटिंग होने के बाद जो है एक एग्जॉस्ट लगाए हैं इसमें जो रॉयल एनफील्ड का है, तो इसका साउंड जो है किस तरीके से आता है, इसका आवाज़ जो है तो वो देखिएगा आप वीडियो में। ठीक है, पूरा फिटिंग करने के बाद मिलते हैं दोस्त। इसका एमआरपी जो है देख पा रहे हैं, ये एमआरपी है बॉक्सर का, ब्लॉक किट असेंबली है, ब्लॉक असेंबली। तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका पार्ट नंबर ये है 31-10-13-14 है ना। तो इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं। पूरा पैक है और इसमें ये इसका ब्लॉक सिलेंडर, ये पिस्टन है, इनलॉक है, मैं रिंग जो है फिटेड है, कंपनी फिटेड, ऐसे देखते हैं निकाल कर। तो इसका जो पिस्टन है वो किस कंपनी का निकला है, इसमें ब्लॉक किट जो सिलेंडर किट हमने लिया है इसमें जो है ये कंपनी वाला है, ये इसमें जो है ये इसमें पिस्टन जो है उसे का निकला है दोस्त, है ना। ये यहाँ पे ऊषा लिखा हुआ है और इसके रिंग जो हैं, रिंग भी इसके ऊषा के हैं, ये ऊषा, ये टॉप वन है ये। इसका जो टाइमिंग है क्रैंक टाइमिंग और इसका स्पॉकेट टाइमिंग, ये स्पॉकेट जो फ्री होना चाहिए, इस तरीके से फ्री होना चाहिए, ये बीच में फंसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका एक टाइमिंग की डॉट है, ये यहाँ पे है और इसका टाइमिंग मैं जो है इस तरीके से मिला रहा हूँ। ये इसका की है मैग्नेट की,
ऐसे ऊपर रख के जो है, इसमें पिस्टन का वो रहता है, इसमें जब ये ऊपर रहता है तो पिस्टन जो टॉप में रहेगा पिस्टन, तो देखिएगा आप। इसका ये स्पॉकेट है, ये इसका मार्कर है, ये मार्कर जो यहाँ पे लाना है, ये यहाँ पे। और ये क्रैंक, ये जो पिस्टन टाइमिंग है, ये हम मिला के रखे हैं, ये उसके टेस्टनर जो है, ऐसे हमें पूरा दबा के रखना पड़ेगा और ऐसे मैं टाइट कर दूंगा इस तरीके से। ये आ गया इसका टाइमिंग। ये इसका यहाँ पे रहना चाहिए। ये एक फल्ली इधर से कम होगा, ये देख पा रहे हैं। और ये जो है, ये क्रैंक का ये इसका सिराई जो है यहाँ पे रहेगा, और ये डॉट, इस डॉट में ये बोल्ट कस दे रहा हूँ। तो बोल्ट टाइट कर दिए हैं। अब वापस जो हमें ये चैन जो है लूज है, उसके लिए जो हमें ये टेस्टनर का जो है इस तरीके से ऐसे वापस ढीला कर देना है, ऐसा छोड़ देना है ना, ताकि ये जो चेन है ये टाइट हो गया इसका। और ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है, जैसे जैसे चेन जो है लूज होगा, उसी तरीके से ये जो है ऐसे टाइट करता जाएगा, है ना, अपने समय तक। और फिर आवश्यकता ज़्यादा ये टाइमिंग चेन जो है लूज हो जाती है, तो ये अपना काम करना बंद कर देता है। ये ऐसे जो है टाइमिंग चेन को टाइट करने का जो है ये काम करता है ना, टेस्टनर, इसे टेस्टनर बोलते हैं। कंप्लीट दोस्त, इंजन पूरा फिटिंग हो गया है। और मैं इसमें ऑयल डालूँगा, 1 लीटर का ऑयल है ये।
ये HP का ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ऑयल नट टाइट हो गया है और पूरा फिटिंग हो गया है, जिसमें फाइनल में ऑयल डाल रहे हैं। पूरा 1 लीटर ऑयल है, टाइट हो गया और बाइक जो है हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे में पेट्रोल डाल दिया हूँ मैं, 150 ग्राम पेट्रोल है, नया ब्लॉक किट है। ऐसे जो है 100-150 ग्राम पेट्रोल जलाते तक थोड़ा सा रमा करेंगे, ज़्यादा रमा करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि इसका जो पिस्टन रहता है वो नया ब्लॉक सिलेंडर में जो है वो हल्का लूज ही रहता हो, पिले रहता, हल्का फ्री रहता है कहना चाहिए, उतना टाइट नहीं रहता। जो बोर वाला जो रहता है, जो हम लोग कराते हैं ना, वो अलग से वो थोड़ा सा टाइट होता है और ये कंपनी फिटेड रहता है उस हिसाब से। वैसे थोड़ा देर हम रमन करेंगे तो फाइनल इसे स्टार्ट करते हैं गाड़ी। और इसमें जो है इंजन स्टार्ट होने के बाद जो है ये ऑयल, नीचे का जो ऑयल है ये ऊपर हेड में लेके आता है ये पाइप जो है, तो ये पाइप ये चेक करना होगा हमें कि यहाँ पे ऑयल आ रहा है कि नहीं। जैसे 10 mm की, उससे थोड़ा सा लूज कर लेता हूँ मैं और इसे स्टार्ट करते हैं फिर से। ऑयल आ रहा है, ये ऑयल आ रहा है, बस हो गया। और इसका जो है एक एग्जॉस्ट बनाए हैं हम लोग, वो एग्जॉस्ट जो है फिर फिट कर जो है अभी मैं उसे काट कर फिट कर और फिर मैं फिटिंग करके गाड़ी में जो है मैं दिखाता हूँ उसका साउंड जो है। अभी थोड़ा गाड़ी जो है रमा कर लेते हैं, वापस इसे टाइट कर देना है, इसे इसे ज़्यादा ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, जम से हिसाब से जितना इसका जो क्षमता है उस हिसाब से टाइट करें। ये लगा दिए हैं इसका एग्जॉस्ट, रॉयल एनफील्ड का है, यहाँ पे कट करके जो है वेल्डिंग करे हैं यहाँ, और ऐसे में सिल्वर स्प्रे मार दिया हूँ वेल्डिंग वेल्डिंग करा कर जो है इधर को इधर से काट कर जो है इस तरीके से लगाए हैं इसे। इसका साउंड सुनिएगा आप। ये बाइक जो है लोकल चलने के लिए है, बाहर नहीं जाती है गाड़ी, यहीं लोकल चलेगी है। ठीक है दोस्त, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो आगे चल के जो है वीडियो फर्स्ट टाइम मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।